जस टीवी देख रहे हो तुसी, मैं के पी सिंह टू द पॉइंट में तुहाड़ा स्वागत करता। कोरोना काल के विचाले बहुत सारे सौदा करनिया पै रही, बहुत सारिया चीज़ों पर कट लाना पै रहा। इन विद्यार्थियों की पढ़ाई का एक मसला भी है, फीसा का मसला ही बार बार उठता है, पर इस वक्त पढ़ाई के मसले के विचाले सी बी एस ई ने एक फैसला किया। साडे मंत्री ने केंद्रीय मनुखी वसीलों बारे उन्होंने फैसला सुनाया, तो उस फैसले के 30% सिलेबस है जोड़ा 9वीं तो 12वीं तक उस विच कट लगाया गया। कुछ सिलेबस है रिवाइज किया गया, कुछ विच कट लगाया गया। इस सब नूं समझना पवेगा, वजह दसी गई है करोना वायरस। तो इस वजह समझण दे विचाले विचाले बयानबाजी इहो जी हो रही है, जिहड़े जानकार ने पढ़ाई दे सिक्ख्या दे जानकार ने उह कह रहा है कि सरकार जानबुझ के विद्यार्थियों तो जानन ते समझण दा अधिकार खो रही है। उसनों समझना पवेगा किहड़े अधिकार खोए जा रहे हैं। गल जदों सिटीजनशिप की होंगी, नैशनलिज्म की होंगी, सैकुलरिज्म की होंगी है, तो जो कट लगते हैं फिर सवाल ये पूछना लाजमी हो जाता है सिलेबस से कैंची पिछे केड़ा वायरस। वड़ा सवाल एक पूछा जाएगा इस डिबेट में, वड़ा सवाल यह पूछा कि विद्यार्थियों की कौन सी सोच डिलीट करने में लगे ने पोलिटिकल मास्टर। जो डिलीट शब्द बोलना पैंदा सिलेबस के विचों, तो उदों जुबान भी तुहाडी रुक जाती है। तो सियासत इस पूरे मसले पर की कहती है, कि इस तो समझना पवेगा जिहड़े जानकार वह की कह रहे हैं। पैनल साडा मौजूद है, तुहाडा तारफ करा रहा डॉक्टर पहला गर्ग, एजुकेशनिस्ट ने, साबका रजिस्ट्रार ने बाफरी यूनीवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसिज़ से, तो सिक्ख्या के खेत्र इन्हों का चंगा खासा तजर्बा। इन्हों समझ है कि सी बी एस ई एन सी आर टी ये किहड़े पैटर्न तहत काम करते हैं, तो सरकार जिहड़े पोलिटिकल मास्टर है कि वो इस सिलेबस के किस तरीके की भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर गर्ग सर, तुहाडा बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। एस एस चन्नी साबका आई एस ने, भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, तो चन्नी साहब खुद भी बड़े पढ़े लिखे है, तो उन्होंने इन चीज़ों की समझ भी हैगी है, पर पार्टी लाइन उन्होंने केड़ी समझ इतने देन का मौका दिंदी है, ये अपने आप सवाल होगा। पर चन्नी साहब तो असं उम्मीद करते हैं कि हमेशा संजीदा चर्चा करते हैं, तो उन्होंने सब कुछ समझने की कोशिश करा कि असल में कोरोना काल के बहाने कितने कोई अधिकारा तो निशाना तो लगाया जा रहा है। चन्नी साहब सर, तुहाडा बहुत स्वागत है सर। अक्षय शर्मा ये कांग्रेस में रिप्रजेंट करते हैं, एन एस यू आई तो पंजाब के प्रधान है, तो पिछले कुछ समय के जोड़े एग्जाम कैंसल होने चाहिए है, ज मापिया की समस्या है, वो लगातार एच आर डी मिनिस्ट्री तक अपनी पहुँच दर्शाने के दावे करते आए, इस करके उन्होंने सद्या, क्योंकि जोड़े दौर में गुजरते पे है, तो जोड़े दौर चो लंघ के आए उत्थे विद्यार्थियों का भविख, तो जी पढ़ाई करते हैं उस तरह कि भविख तैयार होंगे, वो इन्होंने समझ की कोशिश करा के। अक्षय शर्मा थोड़ा बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। सब तो पहला सवाल डॉक्टर गर्ग तुहानू करना चाहूँगा, वैसे तो सियासत तो शुरू करना चाहिए मैं कहना, पर पढ़ाई तो शुरू होनी चाहिए फिर सियासत होनी चाहिए जी। डॉक्टर गर्ग, ये सिलेबस से कैंची जी लाई है वो सिर्फ करोना काल तक समझा जाए, जो समझा जाए कि परमानेंट कट या परमानेंट रिविजन हो चुकी है। डॉक्टर गर्ग देखो, गल यह है के पी जी भी जिहड़ा सिलेबस है, पहली गल उन्हों विज्ञानक लीहां तो तोड़ के गैर विज्ञानक लीहां ते लजाण दी ये सरकार दी पूरी कोशिश रही है, और बहुत सारे चैप्टर विचों कट के ते दूजे ऐड करने इन्हां दा आम ही है। किहड़ा मर्जी सिलेबस सीख लो, ईवन इत्थों तक इह मेडिकल दे सिलेबस दे विच पिछे असीं इह एम बी बी एस दा सिलेबस इन्हां ने रिवाइज करिया सी, मैडिकल कॉलेज दे विच 32 चो डिस्कस होना सी, मैं डीन हाँ मैडिकल फैकल्टी का, तो उत्थे भी मैं देखिया वो सिलेबस जिहड़ा सी किस तरह 1000 पेज का सिलेबस बना रहा, कदे मैं नहीं सुनिया सी 1000 पेज का सिलेबस भी होंदा। सो इह सारे कासे नूं मकैनिकल बना रहे ने, उहदे विच जिहड़ा साडा पुरातन जिहड़ा साइंस नूं दूर करके साइंस तो पिछे हट के वह गल्लां इहदे विच पा रहे ने सिलेबस दे विच, खास करके सोशल साइंसिज़ दे विच, पर फिजिकल साइंसिज़ ते बायोलॉजिकल साइंसिज़ च भी हुण इहो जिहा कुछ इन्हां ने करना शुरू कर दिता है। तो उहदे नाल की होगा कि जिहड़े लोग साडे आम बंदे ने उन्हां दी सोच है जिहड़ी नैगेटिव सोच हो जाएगी, पुरातनपंथी हो जाएगी, मॉडर्न जिहड़ी आधुनिक विज्ञान है वह तो पिछे रह जाएंगे, तो एक खास सैक्शन होएगा जिन्हों बाकी सारी तरह तो सोर्सिज अवेलेबल हो गए, वह यदा भी जिते यदि लड़ हो यदा प्रचार करी जाएंगे गल करी जाएंगे, जिते दूजी लड़ हो उत्थे दूजी करी जाएंगे। सो ये एक तो सैग्रीगेशन हो जानी है, बल्कि मैं कहाँगा डिविजन हो जानी है लोगों की, एक पासे 100 करोड़ लोगों के बच्चे होंगे, दूजे पासे जिहड़े ने 40 करोड़ के होंगे, एक तो यह डिविजन हो जानी है, यदि सीधी हुई पहला फीसा करके हुई हुई है,
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਸ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਦੇਣਾ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਾਲੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਦਾ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਨੈਸਕੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਤੀ ਔਰ ਉਹ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਣੇ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਉਣੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਟੇਢਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਾਂ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 30% ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਕੱਟ ਜਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 30% ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 30% ਕੱਟ ਕਰਿਆ ਉਹ ਨਵਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ, ਕੱਟ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਐਡ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਕਰਨਗੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਕੀ ਅਨੁਸੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਸਰ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1920 ਔਰ 2020 ਹੈ ਅਕੈਡਮਿਕ ਈਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਾਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਰਿਸਕ ਪਲੈਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਨਾ ਸਿੱਧਾ, ਬੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਟ ਜਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ, ਸਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੈਪਟਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਲਾਈ ਹੈ ਸਰ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ CBSE ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਪੋਖਰਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ, ਅਕੈਡਮਿਸ਼ੀਅਨਸ ਤੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਨੇ, 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਇਹ ਕੱਟ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਆਹ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪਿਕਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਟੋਪਿਕਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
चारे क्लासा एक साल दे विच बच्चे नहीं पढ़ते। सीधा कह दो ना भी ये फजूल दी बहस आपां नूं नहीं करनी चाहिए थी। फजूल दी बहस नहीं मैं कहना, मैं ये कह रहा आप बहस क्यों कर रहे हैं चन्नी साहब? चलो मैं तुहानूं सवाल कर लैना सर, आप बहस क्यों कर रहे हैं फिर? बहस ते देखो जदों जिहड़ी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैगा उहदे विच हर बंदे नूं अपने व्यूज रखण दा पूरा हक है और रखदा है। और डेमोक्रेसी दे विच एक ब्यूटी हैगी है कि असीं अपोजिशन भी कर सकते हैं और दूसरा ये भी है कि असी अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन भी कर सकते हैं। सर ये चीज़ें हैगियां, डेमोक्रेसी ते सवाल उठ रहे हैं। आ सर ट्वीट ट्वीट करते हैं एच आर डी मंत्री, सर ये ट्वीट उन्होंने क्यों करने पै रहे हैं? जे सी बी एस ई ने कमेटी बनाई एक्सपर्ट कमेटी, वो फैसला कर लैन ना, तो वह तो ट्वीट करके कहते एडवाइस किया। सर उन्होंने की लोड़ हैगी, सियासत में की रोल है इन दे? जो मिनिस्टर इंचार्ज है तो जो ओवरऑल सारा कुछ देखना उन्हें, वो जे उसकी इनवॉल्वमेंट हैगी है तो वो उसके विच कोई माड़ी गल नहीं हैगी, अपना तो तजर्बा हैगा वो, पर उन्हें कोई यहोजा फैसला कल्ले बैठ के नहीं किया जिदे विच कोई कंसल्टेशन नहीं हैगी। फिर जी साड़ी नैशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हैगी है, वो सुझाव भी ले जाते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहता भी इन पोलीटिकल रंग क्यों देन दी लोड़ है। सर तुसी एनसीआरटी दा जिक्र कर रहे हो ना, सर एनसीआरटी दा जिक्र कर रहे हो तुसी। एनसीआरटी दे जिहड़े साबका डायरेक्टर हैगे उन्होंने कहता है कि बच्चों के पढ़न समझन दे अधिकार खोए जा रहे हैं, उन्होंने की जवाब दोगे चन्नी साहब तुसी? देखो ये तो अपने अपनी जजमेंट है अपने। चलो ठीक है सर, एक छोटा ब्रेक लेने हैं सर, ब्रेक तो बाद वापस आकर डिबेट थोड़ी होर खोलेंगे। सिलेबस से कैंची पिछे केड़ा वायरस है, कोरोना काल के बहाने कितने होर निशाने तो नहीं लगाए जा रहे, डिबेट यही है, बहस यही है तो करनी लाजमी है। मैनू यही समझ आ रहा कि इस विषय पर बहस क्यों की जा रही है तो क्यों नहीं की जा रही, सवाल अपने आप वड्डा है। पर अभी तो सवाल पूछा कि जे तुसी नैशनलिज्म की गल करते हो, जे तुसी होर विषयों की गल करते हो, सवाल उदों भी उठता जो असी साडे गवांडी मुल्कां नाल संबंध की हैगे आ, तो वह चैप्टर जो इस विच उहदे ते भी कट लाया जाता फिर सवाल पूछना पवेगा। ब्रेक तो वापस आ रहे हैं, वड्डा सवाल असी यह पूछ रहे इस डिबेट में, विद्यार्थियों की कौन सी सोच डिलीट करने में लगे ने पोलीटिकल मास्टर? अक्षय शर्मा, मैं तुहाड़ियां बड़ियां इंटरव्यूज भी देखियां, तुहाड़ियां बड़ियां खबरां भी छपियां कि तुसीं बड़ा इंते काम करदे पे हो, सर इस प्रति तुहाडा कोई बयान हजे तक मैं नहीं सुनिया गया, कि समझ नहीं आई सर कि यह मुद्दा है की है? नहीं नहीं, ये मुद्दा बिल्कुल तो बिल्कुल क्लीयर है सर, भी सिर्फ तो सिर्फ क्यों लोड़ पई कट लाउण दी, आपां डेमोक्रेटिक राइट्स ते क्यों कट लाया सिलेबस दे विच, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया दे विच कट क्यों लाया, फेडरलिज्म ते क्यों कट लाया, स्टूडेंट्स नूं आपां नूं लोड़ सी विद्यार्थियों नूं पढ़ाउण दी, सिटीजनशिप दी, सैकुलरिज्म दी, इन्हां ने सिर्फ तो सिर्फ करोना काल के चलते करोना नूं इक ढाल बना के विद्यार्थियों नूं उन्हां चीजां तो दूर करन दी कोशिश कीती है भी जिन्हां नाल उन्हां नूं अपने देश बारे पता लगे, साडे राइट्स की ने उन्हां बारे पता लगे। करोना का इहदे विच कोई संबंध नहीं, करोना सिर्फ एक ढाल बनाई गई है, जिदा कि साडे चन्नी साहब ने कहा कि इस सारे को सुझाव लिते गए सी, पखराल साहब ने या एक कमेटी ने सुझाव लिते भी सानू सुझाव दिओ भी असीं किहड़े सिलेबस नूं कट लईए। मैनूं नहीं लगता कि कोई विद्यार्थी या उन्हां दा माँ बाप कदी भी कहेगा कि मेरे बच्चे नूं या मेरे विद्यार्थी नूं इन्हां राइट्स तों या इन्हां सिक्योरिटी तों या फेडरलिज्म तों या इन्हां इह मतलब शिक्षा दे अदारे तों वांझा रख्या जाए कि आने वाले समय दे विच उहनूं उह चीज़ां दा घाटा खाणा पवे जो साडे पुराने लोग जाणदे ने, साडा इतिहास है, साडा देश है, साडे जो अधिकार ने। मैनूं नहीं लगता भी कोई भी माँ बाप या कोई भी मतलब विद्यार्थी इन्हां चीज़ां तों वांझा रहना चाहुंदा होवेगा। अक्षय जी, जे तुसी कह रहे हो कि जिहड़े कट लगे जिहड़े तुसी गिना रहे हो, मैं तो इसे गल कह रहा सर, डेमोक्रेसी की खूबसूरती है जे विरोधी धिर सवाल पूछे, तुसी लोग तो सवाल ही नहीं कर रहे इन्हां नूं, वो तो कह रहे ना, वो तो कह रहे सुझाव मंगे सीगे, वो तो कह रहे सुझाव मंगे है, सुझाव मंगो तो बाद उन्हां ते खुशी प्रगटाउणी है ना, करोना काल दे विचाले 30% कट लग गया, पर उन्होंने यह नहीं ना दस्सिया गया कट किहड़ा लाया, ये तुसी लोगों ने दसना सीगा। अक्षय शर्मा, ये सर ये सिर्फ ते सिर्फ इन्होंने करोना नूं ढाल बना के कीता है, भावें ओ सी ए एन आर सी दी गल पहलां दी गल कीती जावे जां हुंदे समें दे विच तुसीं एम एच पी दी गल कर लो जां हुंदे समें दे विच जिहड़ा स्टूडेंट्स दे सिलेबस नूं कट करन दी गल कर लो, इन्हां नूं पता है कि जे ये करोना तो बाद करदे जां करोना तो पहलां करदे, विद्यार्थियों ने सड़कां ते आउणा सी, पार्टियां ने सड़कां ते आउणा सी, ते इन्हां दा एच आर डी मिनिस्टर या कोई भी इन्हां दे जिहड़े अदायरे ने उन्हां नूं दिल्ली दे विच जाके घेरना सी असीं, इन्हां नूं पता है कि जद असीं इन्हां समें दे विच ये काम करांगे जो ये चाहुंदे ने, हमेशा जदों भी जोरावर दे हत्थ कलम आई है ते उन्हें उन्हां चीज़ां नूं खत्म करन दी कोशिश कीती है कि जिहदे नाल ओह अगे जाके अपना नाम जरूर अगे रख सके, पर जो लोकां नूं पढ़ाउणा चाहीदा जां विद्यार्थियों दे दिमाग च जां दिल च गल बिठाउणी चाहीदी है उन्हां तों उन्हां नूं वांझा रखना चाहीदा है। असीं इन्हां दा जरूर विरोध करांगे ते करदे भी रहांगे, पर इन्हां ने इस समें दे विच सानूं इह क्यों इह समें दे विच कीता, सिर्फ इस वास्ते कीता
कि क्योंकि इन्हां नूं पता सीगा कि इह टाइम प्रोटेस्ट वास्ते नहीं है, इन्हां नूं पता है कि जदों इकट्ठे होणगे इन्हां नूं चक्कांगे, इन्हां ते आपां एफ आई आर लॉन्च करांगे, इन्हां नूं जेलां च पहुंचावांगे, इह सिर्फ ते सिर्फ कोरोना नूं ढाल बनाया गया। ठीक है डॉक्टर गर्ग, डॉक्टर गर्ग सर मेरा एक सवाल हैगा कि साडी टीवी डिबेट दे विच इहो जिहे विशेयां नूं मौका घट मिलदा, डॉक्टर गर्ग असीं सानूं इह वी पता है कि इन्हां विशेयां नाल लोक वी घट जुड़दे आ, पर सवाल हैगा डॉक्टर गर्ग असीं जे डेमोक्रेसी की खूबसूरती नूं बचा के रखना है तो सानू यहो जी डिबेट खड़ी करनी पवेगी, लियानी पवेगी। मेरा सवाल विरोधियों तो सीगा जिहड़े लगातार सवाल पुछदे पे आ इस मुद्दे, सर इन्हां नूं भी कोई सवाल नहीं किया है जिक्र? सवाल तुसीं जवाब तो सुनी लिया, मैनूं कहना नहीं चाहिंदा, नाल दे पैनलिस्ट ने बराबर दे पैनलिस्ट ने ते पोलीटिकल होण करके मेरे तो सीनियर भी मैं कह दांगा वी हैगे ने, पर मैं पहला चन्नी साहब की गल की गल करांगा। चन्नी साहब ने बड़े सोहने तरीके अपनी गल नूं एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, पर सच यह है कि जून के पहले हफ्ते पहला CBSE ने थोड़ी जी चेंज करी सी सिलेबस की, मामूली चेंज सी, एक चैप्टर दूजे च पाता, दूजा एक च पाता, उन्होंने कहता भी असी जी अपना सिर्फ बैलेंस से पहला उन्होंने असी मैकेनिकल तो इलैक्ट्रॉनिक बैलेंस हम नवे, तो इस तरह के चेंजेस इन्होंने करिया, बिजनेस कोई चेंज नहीं करी सी, 12वीं दे सिलेबस अकाउंटेंसी कोई चेंज नहीं करी सी, बहुत सारा चेंज नहीं करी सी, कई यूनिट एक तो दूजी थान पर शिफ्ट करी थी, पर उस दिन मिनिस्टर साहब का बयान आ गया कि असी 30% सिलेबस से कट लाना है, वो कि कमेटी तो आया सी और हूँ 30% की लाया करिया। सो ये गल कहनी एक तरीका हों भी कमेटियां चोहे जे बंदे बुला लो, मैं तुम्हें एक सामने साढ़े सी इतिहास की किताब से बहस भी करी सी, जब हिस्टरी तुम ये पढ़ानी चाहते हो, हालांकि वो अकालिया ने लवाई हुई थी, उदू मुड़ के कांग्रेस ने भी उन्होंने चेंज करने की कोशिश करी, उ जिन्ना कुछ पंजाब के कंट्रीब्यूशन से आजादी बारे जिन्ना कुछ देश की आजादी का सारा मूह महंदरा से वो सारे ही चेंज कराया, वो लिखा हुआ सी भी जेडे भगत सिंह ने जोड़ा शहीद ऊधम सिंह है वह तो उ नजायज हथियार फड़िया गया, उन्होंने सज़ा हो गई, मुड़ के उन्हें उन्होंने मारता अडवायर अडवायर मारता तो उन्होंने फांसी हो गई। आ इतिहास दस्या इतिहास दस्या भगत सिंह होनी तो डाके मारते इतिहास दस्या बाबर अकाली जेडे सीगे अपने ये देश भगत ये अपने गदरी बाबे भी इन्हों का काम तो डाके मारना इधर तोड़ भन करना यह जे यही इतिहास पढ़ाया जाना है, और उल्ट यह पढ़ाया जाता है भी फलाना राम का भगत सी फलाना सारे गुरु ग्रंथ साहब कहना जे सारे भगत सी राम के भगत सके, ये मतलब जब तुम इतिहास में इस तरीके और वह भी बड़ी एक्सपर्ट कमेटी ने बनाया सी वो गल वक्री है भी बड़ा रौला पै गया साढ़े दुखांत इस गल का है कि असी यह नहीं समझते भी यह गल कि जाऊगी एक गल सू किधर लैके जाऊगी। जब तुम इतिहास के मैं तुम्हें करोना की कंक्रीट एग्जाम्पल जान के दिती है ये किमें करते हैं, पिछे एक आर्टिकल लिखाया ये कह के भी असी साइंटिस्ट हाँ, मैं तो कहना वो लिखा के दिता कि जी हिंदुस्तानी तो जीने बड़े तकड़े ने इस करके करोना नहीं हो सकता, हिंदुस्तान के आले दुआले जिन्हें मुस्लिम मुल्क ने उन्होंने सारे का डैथ रेट केस फैटलिटी रेट हिंदुस्तान तो कितने घट है, तो केस भी उत्थे पर मिलियन भी काफ़ी मुल्कों के बहुत घट ने, जी सारी दुनिया के मुहम्मदन मुल्क लिए उन्होंने जीन कितों आ गए। सो असी की करते हैं असी उन्होंने थ्योराइज करते हैं, अकाली मैंने एक बंदे बड़ा वड्डा DRDO तो साइंटिस्ट रिटायर होया डायरैक्टर मैंने कहते जी पेपर थले ऑक्सीजन होंगी है, मैं जी कदे तुसी ये ला के देखे टेंट टेंट ला के प्रूव करे भी रात में कुछ इन्ने परसेंट ऑक्सीजन सी ये असी एयर टाइट टेंट लाता सवेर में ये इन्ने परसेंट होगी चाहे अद्धा परसेंट वधी हो कदे करे नहीं 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 यही की लोड़ है तो हवा देख के आ जाता जे जे असी एटीट्यूड यहो जहा बनाने जे साइंस कांग्रेस के जो साडे प्रधानमंत्री जाते हैं उत्थे कहिंदे साडे कोल तां जीन टैक्नोलॉजी सी जी साडे कोल तां विमान सीगे जी असी तां पहले ही रॉकेट जानते सी असी तो जी प्लास्टिक सर्जरी इन्नी एडवांस सी असी तो गणेश दे सिर लाता सी, जब असी इहो जिहियां गल्लां विज्ञान कांग्रेस च करदे आं इहो जिहियां गल्लां असी सिलेबसां दे विच पा रहे हां कि नहीं जी आह भी पाओ ज्योतिष विद्या भी पाओ योगा भी पाओ फलाना भी पाओ, योगा एक एक्सरसाइज है पर योगा कोई यही नहीं है भी टोटल हैल्थ है, इदा ही खाना पीना की है एक चंगा खाना पीना एक आचार विहार हिंदुस्तान का है, पर यह नहीं भी कदम खाण पीन ही सब क्योंकि हिंदुस्तान के लोग का जोड़ा खाना पीना हम दस रहे हो तो पहले ही करते जोड़ा पूजा पाठ दस रहे वो भी पहले ही करते पहला इन्ना माड़ा हाल क्यों गुरबत इन्नी क्यों सी। दूजी गल जो देश की आजादी इन्होंने कहता भी 70 साल कुछ नहीं होया हूँ इन्होंने जिहड़ी मॉडर्न हिस्टरी पढ़ानी है जां मॉडर्न साइंस पढ़ानी है जां मॉडर्न सोशल साइंसिस पढ़ानियां ने ईवन लैंगुएज पढ़ानी लैंगुएज ये संस्कृत पढ़ाएंगे ये जिहड़ियां रीजनल लैंगुएज ने जिहड़ियां साडियां जिवें साडे इत्थे पंजाबी है उन्होंने थले लाएंगे उन्होंने किसी ना किसी रूप के। सो ये जिहड़ा तौर तरीका है ये सिलेबस कट करन दा मतलब इन्हां दा बिल्कुल यही है भी तुसीं जिहड़े डेमोक्रेटिक ज
जेडे सैकुलर जेडे मनुखता दे नाल जुड़े हुए जेडे लोगों की डेमोक्रेसी है जेडे लोगों की पावर नाल जुड़े हुए लोगों की चर्चा नाल जुड़े हुए थाट प्रोसैस न बच्चे दे विचार नू विशाल करने वाले उन्हों पूरा ग्लोबल बनाने वाले कि दुनिया किहो जी है ब्रह्मांड किहो जिहा है उह जे बनाने वाले चैप्टर कट्टो तुसीं कहो भी इह सारा कुछ आराम नाल हो जांदा है अणख मजबूत हुंदी है ओ चैप्टर पढ़ दित्ते जाण यही कहना चाह रहे हो बिलकुल मैं यही कहना चाहना नहीं कदी अणख नहीं एक अणख साडी मारे एक साडा जिहड़ा दिमाग विशाल होना है पूरी मनुखता नूं समझदा ओह मारे चीजा साडी विज्ञानक सोच खत्म होवे मैं इह गल नूं कहिंदा नजरिया विज्ञानक सोच काम करन दा विज्ञानक ढंग ओह खत्म होवे पर जिथों तक हुण तक डिबेट हुई है यह समझ आया कि विषय नहीं जोड़े जाणगे जे जोड़े जांदे हुंदे तां फिर कट लाउंदे क्यों सवाल यह भी हैगा कि किहड़ी एक्सपर्ट कमेटी ने कहा सीगा कि आ चैप्टर रिवाइज कर दो जां चैप्टर ते कट ला दो जिंदे विच सिटीजनशिप नैशनलिज्म ते सैकुलरिज्म की गल होवे फैडरलिज्म की गल होवे कि इस तों खतरा तां नहीं है सरकार सवाल यही होगा ब्रेक तो वापस आ रहे बड़ा सवाल असीं पुछ रहे विद्यार्थियों की किहड़ी सोच डिलीट करन विच लगे ने पोलिटिकल मास्टर हाँ अक्षय शर्मा की कहना चाह रहे हो तुसीं मैं पहला तो दसना चाहूंगा भी ये सोच दे पिछे वायरस करोना नहीं है वही वायरस है जो गांधी जी नू माड़ा ते गोडसे नू चंगा दसन वाला वायरस है ये हमेशा तो इन्हां दा एक बीजेपी दा या मतलब इन्हां दा एक रोल रहा है कि किवें आपां जिहड़े साडे हिंदुस्तान दे एक ओह लोग सीगे जिन्हां नू देश नू एक ढांचा बनाया देश अक्षय शर्मा तुसीं जस्टिफाई कर सकदे हो गांधी ते गोडसे नू इस डिबेट विच शामिल करके जस्टिफाई कर सकदे हो योगदान उन्हें अगे पूरा अपना पूरी जिंदगी बतीत करनी है अपने देश के लिए बतीत करनी है अपने सूबे लिए बतीत करनी है ये बहुत माड़े तरीके दे नाल कट लाया गया है जरूर इस कमेटी नू दोबारा सोचने की लोड़ है चलो तुहाड़े पॉइंट वाजब है फूड सिक्योरिटी का जिक्र कर रहे हो हरी क्रांति का जिक्र किया मैं चंगा लग्या एक तुसी पानी का जिक्र छेड़िया एक कदे आपकी पार्टी नू सवाल पूछा करो अक्षय शर्मा पंजाब दे पानी नाल तुहाड़ी पार्टी ने की किया सी जरूर पूछा पंजाब दे पानी जरूर पुछदे आ असीं ए मैं गल सिर्फ ते सिर्फ इसी करना चाहुंदा हां भी जे किसे ने पुराने तरीके दे उत्ते चीजां खराब कीतियां ने साडा फर्ज बनदा है भी आउण वाले भविख दे विच आपां उहनां नूं ठीक करिए ते इस समें लोड़ है लोड़ सिर्फ ते तो कट्टण दी नहीं सीगी लोड़ इहदे विच सुधार करन दी सीगी ठीक है चन्नी साहब तुसीं एडे वड्डे अफसर रहे हो बड़ी पढ़ाई कीती है तुसीं पीएचडी तक तुसीं कीती है सवाल यह हैगा कि फैडरलिज्म सिटीजनशिप नैशनलिज्म ते सैकुलरिज्म नूं समझण तों पहलां ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੁਝਵਾਨ ਔਰ ਵਧੀਆ ਡਿਬੇਟਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਥਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਾਦਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀਅਰਸ
जो लोग अगे आ रहे हैं अपने आप पोर्टल से कि मैं भी इस काम च आना चाहना है, मैं भी इस काम च आना चाहना एक गल। दूजी गल मैं कहनी चाहागा कि असी एक किदा कह सकते हैं जी जी कांग्रेस पार्टी है उ एक नैशनलिस्ट पार्टी है, होर कोई पार्टी नैशनलिस्ट नहीं हैगी। जे एडे वे वधिया नैशनलिस्ट होंगे तो फिर 2014 और 2019 के हाल क्यों होंगे सारे मुल्क दे विच जिहड़े लोग है साढ़े 70 साल की आजादी उन्होंने देखी है अपने डेमोक्रेट राइट्स देखे ने राइट्स न करता ये सर वो मुद्दे है सारे जिहड़े सरकार नूं जिन्हां दा जवाब देना पैंदा है, तुसीं उह सारे सवाल है खड़े होण तों पहलां मारने चाहुंदे हो भी तुहाडे तों कोई सवाल ना करे। 9वीं तों 12वीं तक बच्चा सिखदा विद्यार्थी जदों हुंदा, मैं भी जो विद्यार्थी सी मैं उदों ही सिख्या कि मैं किहड़े सवाल करने हैं, तो सर तुसीं जिहड़े मेरे तों बाद आउणगे वो तुहानूं कोई सवाल ना पुछ सके इहदा मतलब इह बनदा चन्नी साहब? मैं इहदे विच इह अर्ज करना चाहांगा काइंडली इक चीज़ नूं अंडरस्टैंड दी कोशिश करिए। एक तो जो सिलेबस का कट लगे अक्रॉस ऑल दी सब्जेक्ट्स लगे कल्ले पॉलिटिकल साइंस का कॉन्स्टिट्यूशन दे मैं तो सर सारे सब्जेक्ट की गल करदा पिया, मैं बिजनेस स्टडीज की भी गल करदा पिया, मैं पॉलिटिकल साइंस की भी गल करदा पिया, मैं सोशल साइंस का भी जिक्र करदा पिया, मैं इकोनॉमिक्स की गल करदा पिया, मैं ज्योग्राफी की भी गल करदा पिया। सर मैं ज्योग्राफी का खुद स्टूडेंट रहा चन्नी साहब। ज्योग्राफी ने 4% ठीक है गर्ग साहब, एक चार गर्ग साहब एक चीज़ क्लीयर करो मैनू, मैं थोड़ा जहा कन्फ्यूज़ हाँ इस मामले से। वो कहते भी असं ये सोच समझ के थोड़ी कट लाया, सर तुम उन्होंने सोचते सवाल खड़े करते, कांग्रेस भी यही कर रही है, तुहाडे वर्गे एक्सपर्ट है जिहड़े वो भी यही सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कहते जो जो सानू साडे चीज़ां सामने आई हैं भी हाँ ये कट लगने चाहिए जां रिवाइज होना चाहिए असं कर रहे हैं, साडे इहदे पिछे कोई निशाना नहीं हैगा। गर्ग साहब आ रहे चन्नी साहब, आ रहे एक मिनट दे दो, आ रहे चन्नी साहब। चन्नी साहब ने बहुत वधिया तरीके गल कही है, उस मैं कोई उस तरह का इतराज नहीं है, पर मैं इतराज एक तो यह है ये गल ठीक है भी कांग्रेस कितने गई सी, कांग्रेस हूँ कितने गई है, जे ये कोई कांग्रेस ज नॉन कांग्रेस ज किसी नैशनलिस्ट नॉन नैशनलिस्ट का सवाल ही नहीं है। सवाल यह है कि जब तुम सिलेबस घटा होंगे उदों तुम बेसिक आइडिया रखते हुए वो जी सुपरफ्लूस एक्सप्लेनेशन उन्होंने घटा दो। सिलेबस घटाने का मतलब यह भी होंगे इन्होंने बेसिकली चैप्टर उड़ाते जो बंद ने दस देने भी ज्योग्राफी किमें डिटर्म होंगे थोड़े आले दुआले गुआढ़ियों रिलेशन किमें रहेंगे। मैं थोड़ा कहना भी साइंटिफिक थॉट है, साइंटिफिक थॉट कहानियों के राही नाटकों के राही लैंगुएज पढ़ाया जाता है, मैथमैटिक्स साइंटिफिक थॉट आता है, तो जी साइंस है उस तो है बायोलॉजिकल साइंस से फिजिकल साइंस सोशल साइंस भी साइंटिफिक थॉट तो बगैर तुम इकनोमिक्स थोड़ा पढ़ सकते हो, पोलीटिकल साइंस थोड़ा पढ़ सकते हो। सो जिमें जे चन्नी साहब ने PhD हैल्थ के करी है, हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी तुम साइंटिफिक थॉट तो बगैर नहीं बना सकते, तुम गलत बना लोगे नहीं तो। और ये बड़े बड़े अहदों से रहे ने, मेरा इन्होंने इंटरैक्शन भी हों रहा है क्योंकि मैं एसोसीएशन का लीडर भी रहा तो मैं उंज भी अधिकारी सी सरकार का। सो इस करके इन्होंने हमेशा चंगे फैसले लेंदे रहे ने, इस मैं कोई शक नहीं है, पर यह गल क्योंकि पोलीटिकल जी पार्टी होंगी वो कई बार सूँ यह लगना जरूरी होंगे जब अभी पोलीटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे कि उन्होंने जस्टिफाई करिए। मैं तुसी जिहड़ा मर्जी किताब चक लो, हिस्टरी लै लो, पोलीटिकल साइंस लै लो, इकनोमिक्स लै लो, तुसी पंजाबी लै लो, तुसी हिंदी लै लो, तुसी मैथमैटिक्स लै लो, तुसी फिजिक्स लै लो, कैमिस्ट्री लै लो, बायोलॉजी लै लो, एनवायरमेंट साइंस लै लो, बॉटनी लै लो, जोलॉजी लै लो, ज्योग्राफी लै लो, तुसी जिहड़ा सब्जेक्ट लैना लै लो। तुहानूं हुणी मैं दिखा दिंदा भी उहदे विचों किवें जिहड़े उह टॉपिक टॉपिक ही कटते। मैं कहिंदा तुसी कहो भी गुआंढियां नाल रिलेशन, वो रिलेशन तुसी चंगे छोटा कर दो, तुसी सारे देशों के दे नाम ना दो
5-4 ਦੇ ਦਿਓ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ MBBS 'ਚ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੇਮ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ PhD ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਬਿਮਾਰੀ MS ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਸੇਮ MBBS ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਸੇਮ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਸੇਮ ਡਿਵੋਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਹਰੇਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲਾਉਣਾ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ MCH ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਹੀ ਪਰ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਕੱਟੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਅਵਲ ਅਲਡੋ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਕੱਢ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਓ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਓ ਜਿਹ 'ਚੋਂ ਐਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਸੀ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਓ ਜਿਹ 'ਚੋਂ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੋ ਸਿਲੇਬਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਊਂਗਾ ਇਸ ਦੀ ਪਟਿਆਲੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ 5 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 4 ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ 8 ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਖਾਈ ਨੂੰ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਕੇ 12 ਦਿਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਕਿ 6 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਸਖ਼ਤ ਸੀ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਉਣੇ ਪਏ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਜੇ 2 ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਅਕਸ਼ੇ ਸ਼ਰਮਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ 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 ਨਹੀਂ ਸਰਨਾਗਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਥੌਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਰਕ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਪਏ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਰ ਐਵਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਨੰਬਰ 1 ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ 21-22 ਆਏਗਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਕੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਏਗਾ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ 21 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 9ਵੀਂ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਉਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ 8ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਸਿਲੇਬਸ 9ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 11ਵੀਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹਨੇ 10ਵੀਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੇ ਮੂਲ ਤਾਂ ਮੂਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਲਾ ਦਈਏ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਰ ਐਵਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਓਲਡੈਸਟ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜਨ ਸਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੀ ਉਡਾਤੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ
दसवीं बच्चा उन्हें 11वीं पढ़ लेना। ठीक है ठीक है अक्षय शर्मा, ठीक है अक्षय शर्मा, इन्होंने तो कहता भी ये कुछ समय के लिए कट हैगा, सानू वरी करने की जरूरत नहीं हैगी। पर सर कट सिर्फ तो सिर्फ उन्होंने टॉपिक्स से क्यों लाया जा रहा है, जिन्हें टॉपिक्स अपना पिछले 6-7 साल तो आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, भावें आप सिटीजनशिप की गल कर लीए, डिमोनेटाइजेशन की गल कर लीए, डेमोक्रेटिक राइट्स की गल कर लीए, इन्होंने टॉपिक्स से ही क्यों कट लाया जा रहा है। होर भी कुछ दायरे से जिमें साडे बहुत सीनियर ने गर्ग साहब ने कहा भी इन्हों आप थोड़ा जा घटा सकते थे कुछ इन्हों थोड़ा पर आप बिल्कुल टॉपिक ही जड़ तो खत्म करते कि मैनू नहीं लगता कि दोबारा तो तुम एड ऑन करोगे या इन लैके आओगे, तुम तो इन्होंने शुरू तो खत्म करना चाहते थे, अब तुम विद्या बड़ी संजीदगी मांगती है, तुहानू सब कुछ पता होना चाहिए कि किहड़े विषयां तुसीं चर्चा कर रहे हो, पर सवाल यह हैगा कि जिहड़े बच्चों के मापे है उन्हां तक यह सुनेहा किवें पहुँचाया जाएगा कि असल विच यह हो की रहा है, जिहड़ा जिहड़ी इंश्योरेंस बीजेपी के बुलारे इत्थे दे रहे हैं कि कुछ समय के लिए कट हैगा, पर उन्हें बेच सोच टारगेटेड क्यों, उनते सवाल क्यों उठते पे है, बहुत सारे सवाल तुहाडे मन में आएंगे। गल कल्ले सिलेबस की नहीं है कि गल उस साइंटिफिक थॉट की है जिहड़ी तुहाडे तो पासे की जा रही है, जो तो सवाल थालियां वाला आता तालियां वाला आता उस किस तरीके परिभाषित किया जाता, सवाल यह भी है जो तो साइंस साढ़े तो दूर करके पोलिटिकल साइंस के जरिए आपदे मुफाद साथ जान के तो उदो सवाल पूछे लाजमी होंगे। ब्रेक तो वापस आके फिर पूछूंगा जरूर, बड़ा सवाल ये पूछ रहे हैं विद्यार्थियों की कौन सी सोच डिलीट करने में लगे ने पॉलिटिकल मास्टर डॉक्टर गर्ग। आईसीएसई ने भी कुछ सिलेबस में कटौती की है, असं उनके बारे कोई सवाल नहीं कर रहे, उन्होंने ठीक किया। देखो जितों तक सवाल है भी जिहड़े आईसीएसई है जां जिहड़े वख-वख स्टेट बोर्ड्स ने जी उन्होंने सिलेबस जो कटते हैं उदो गवर्नमेंट के प्रेशर थले थोड़े बहुते चैप्टर दो दो कर देंगे ने, पर आम तौर पर सोच के करते हैं। मैं आईसीएसई का देखा नहीं भी कितना कट लाया उन्होंने, किहड़ा किहड़ा लाया है, पर वो सीबीएसई का जो सिलेबस है वह तो बहुत ही वरी बाहर नहीं हो सकते जो सीबीएसई ने कट उन्होंने 25% क्या जा रहा है डॉक्टर गर्ग, 25% क्या जा रहा है आईसीएसई का? मैं नहीं 25 चीज का तो गल छो, आप 25 चीज नहीं छोड़ो, मतलब टॉपिक वाइज एक अद्धा चैप्टर नवा पा सकते होंगे ने। एक तर्क हो रहा है डॉक्टर गर्ग, मैं थोड़ा पॉइंट अगे बताऊंगा, एक तर्क हो रहा है कि जो टीचर है वो आपके पद्धर से कुछ हद तक बच्चे टॉपिक समझा सकते हैं, जो टॉपिक नहीं है जैसे उड़ा दिता गया वो बच्चे किसी हद तक समझा सकते हैं, पर सवाल यह है सर सिलेबस तो बाहर जाके अध्यापक किन्ना समझा लेंगे? नहीं नहीं मैं आ रहा मैं आ रहा मैं दो तीन गल्ला कहांगा विद रिगार्ड टू चन्नी साहब, बड़े सियाने बंदे ने, बड़े अफसर रहे ने बड़े। एक तो यह है भी जिहड़ा इन्होंने कहा है ये बिल्कुल यही कांग्रेस ने कहा सी जद हिस्टरी दा किताबां दा रौला पिया सी कि जिहनूं 8वीं च पढ़ाया होया है उहनूं 10वीं च पढ़ाया होया है वह अगे जांदा है, ये तो स्टैंडर्ड है भी असीं थले लैवल ते इक होर पढ़ाउणा उदों अगे उदों उपर अपना उदों अगे उदों उपरला थले वाला उपर इहनूं रिप्लेस नहीं कर सकदा, वह पौड़ी दर पौड़ी अगे ही जाणा हुंदा है। पहली गल, दूजी गल जिहड़ा साडा अज टोटल ट्रेंड है चाहे प्राइवेट स्कूल ने चाहे सरकारी स्कूल ने, उन्हां च ट्रेंड यह है भी जिहड़ा सिलेबस च स्टेट जैक्ट लिखता यह तो असीं यह तो पिछले 50 साल तो असीं डिवेलप ही नहीं करिया, जब असीं स्टूडेंट से उदो जरूर आले दुआले पढ़ाते सी टीचर, हुण तां असीं डिवेलप ही नहीं करिया, हुण तां गाइड सीधी जाती है जो सिलेबस च लिखा, हुण तां जे आ जाए भी उत्थे लेख लिखाया सी गां दा ते मझ दा जे लेख पुछ लो कहिंदे आउट ऑफ सिलेबस है, इहदे नंबर दिओ और बोर्ड नंबर दे दिंदा। सो इस करके जे हिसाब की किताब सवाल लिखते हैं तकसीम दे वंड दे डिवीजन दे जे कोई दूजा सवाल पता पंजवीं च वह कहने जी आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि हिसाब च दी किताब च नहीं सी। सो असी हुण सिलेबस नूं डिफाइन ही होर तरह करना शुरू करता, पंजाब दी सारी एजुकेशन पढ़ो पंजाब दे अगेंस्ट तां चलदी सी कि टीचर नूं कंसैप्ट ए सी जो किताब च लिखिया है ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਉਸ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਲਕੀਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ, ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੀਆ, ਮਾਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਆਪਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਰੂਹ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬੱਚੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕੋਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ
ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰੇਪ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਉਂਝ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡੀ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਲੇਬਸਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 8ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ 9ਵੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਾ, 7ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਪਏ ਆ ਸਰ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਊਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੂਗਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, 20 ਇੰਚੀ, 24 ਇੰਚੀ, 22 ਇੰਚੀ ਸਾਰੇ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਸਿੱਖਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 24 ਇੰਚੀ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੀ, ਅੱਪ ਡਿੱਗਦਾ ਫੂਰਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਕ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਤਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਲਕਮ ਬੈਕ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਛੇੜੀ ਸਰ? ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਰ। ਕਿੱਥੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਯੂ ਟੇਕ ਮਾਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰ ਐਵਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਨਾਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਨਾਨ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸ਼ੇ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਿੰਨੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ 15 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਬੈਠੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਅਕਸ਼ੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਸ਼ੇ ਸ਼ਰਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਕਸ਼ੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ HRD ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਜੇ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਵੀ ਰਿਸੀਵਡ ਮੋਰ ਦੈਨ 1.5K ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਸਰ, ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੜਿਅੰਤਰ ਰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਟੌਪਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਦੋ ਵਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਤੇ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗੀ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗੀ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਲਿਮਿਟਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਕੱਟਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰ ਡਾਟਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨੋਟ ਤੇ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਕਮੈਂਟ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ BJP ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ABP ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕੱਟ ਲਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਟੋਟਲ ਨਾ ਕੱਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ 30% ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਾਲਤੂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਲਤੂ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੌਪਿਕ ਨਾ ਕੱਟੋ, ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿਓ ਬਸ।
ठीक है, बहुत धन्यवाद डॉक्टर गर्ग, तुहाडा चन्नी साहब तुहाडा भी बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करदा कि टॉपिक पूरे ते कट ना लाउण वाला सुझाव जिहड़ा तुसीं इत्थों लैके जाओगे आज भी अपनी पार्टी तक भी पहुँचाओगे। अक्षय शर्मा तुहाडा भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। करोना काल सिलेबस ते सियासत असीं बहुत सारे सवाल किए हैं, सवाल ये तुहाडे बच्चों के भविख नाल जुड़े हुए है, साडे देश के भविख नाल जुड़े हुए है, साडी जवानी नाल जुड़े हुए है। जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं दे विच बच्चा कुछ सीखता है वह कॉलेज यूनिवर्सिटी तक जाता है, उत्थे उनकी सोच वो डिवेलप होकर जाती है जो उन्हें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़िया होता है। जो तुसी पढ़ाई है जिहड़ी फूड सिक्योरिटी इन इंडिया छड़ दोगे, वो टॉपिक छड़ दोगे, डीमोनेटाइजेशन छड़ दोगे, GST छड़ दोगे, जिहड़े कि इस वेले सारे इशू है कि है नेबरस कंट्री नाल साडे किहो जिहे रिलेशन है उन्हों छड़ देवांगे, जिहड़ी फैडरलिज़म की गल हो रही है सैकुलरिज़म की गल हो रही है, जे सानू वह नहीं पता लगेगा तो साडी सोच उस तरीके डिवेलप नहीं हो सकेगी। तो मैनू शक ये भी जापदा जे सिलेबस से पक्के तौर पर कैची लागी तो शायद हो सकता है आने वाले समय के विज्ञानिक सोच है जी वो हौली हौली अधूरी हो जाए, हौली हौली खत्म हो जाए। तो जे विज्ञानिक सोच खत्म होती गई तो फिर तर्क वाले सवाल है या तर्क संगत होने का जोड़ा आधार है वो तुहाडे कोलों मुक जाएगा, फिर सिर्फ पोलिटिकल साइंस चलेगी तो पोलिटिकल मास्टर तुहानू सिलेबस दसणगे तुसी पढ़ना की है। हजे भी मौका ये सवाल पूछने लाजमी है कि तुसी पूरे पूरे टॉपिक क्यों कट्टे। ये डिबेट बड़ी संजीदा सी, उम्मीद करदा कि तुहाडी समझ में आ जाए कि ये कल एक बच्चे के भविख नाल जुड़िया होया मामला नहीं। ये ना सोचो तुसी कि साडे परिवार च तो एक ही बच्चा असी इहनू आप दस लवांगे, ये पूरी कुल का सवाल जो कुल का सवाल हुंदा तो फिर वड्डे होकर सोचना पैंदा, क्योंकि सानू तो यही सिखाया गया सरबत का भला, तो सरबत बारे सोचो फिर तुहानू समझ आएगा सिलेबस के कैंची पिछे केड़ा वायरस। बहुत धन्यवाद।